सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ की न्यूज के बारे में। कंपनी का नाम है स्टेयरलाइट पावर लिमिटेड। तो कंपनी के आईपीओ से संबंधित एक न्यूज सामने आ रही है। इस न्यूज को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज को समझ लेते हैं। विलियनायर एंड वेदांता रिसोर्सेस चेयरमैन अनिल अग्रवाल लीड स्टेयरलाइट पावर ट्रांसमिशन हैज फिल्ड इट्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP विद द मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। यानी कि स्टेयरलाइट पावर ट्रांसमिशन जो कंपनी है, इसने अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करने के लिए सेबी को DRHP सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि DRHP का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि उसे सेबी को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। इसमें कंपनी की सारी जानकारी जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी कितने हजार करोड़ का आईपीओ लाना चाहती है और वो तमाम जानकारी जो कि एक आईपीओ लाने के लिए जरूरी होती है इसमें रखी जाती है। उसके बाद सेबी इस जानकारी को वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं जाकर कोई आईपीओ मार्केट में ओपन हो पाता है अप्लाई करने के लिए। तो देखिए इन्होंने DRHP सबमिट कर दिया है और यहां पर आप देखेंगे ये जो कंपनी है ये वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई यानी वेदांता जो कंपनी है उससे जुड़ी हुई कंपनी है। यानी कि ये आईपीओ आपके लिए धमाका कर सकता है, यानी कि आपको काफी बेहतरीन कमाने का मौका दे सकता है। वहीं बात करें भाई ये आईपीओ कितना बड़ा होगा, इसका साइज क्या होगा, तो आपको बता दें यहां पर द इनिशियल शेयर सेल विल सी सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एग्रीगेटिंग अप टू 1250 करोड़। यानी कि 1250 करोड़ के ये आसपास ये आईपीओ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द DRHP। यानी DRHP जो इन्होंने सबमिट किया है उन्होंने उसमें बताया है कि 1250 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ लेकर आएंगे और हो सकता है कि समय जैसे जैसे बीतेगा इनको वेरिफिकेशन मिलेगा उसके बाद ये जो वैल्यू है ये थोड़ा सा बढ़ती हुई भी नजर आए, क्योंकि DRHP में जो करंट का है वो लोग दर्शाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस देखने को मिलता है। तो अभी हम मान के चल सकते हैं कि 1250 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, यानी कि काफी बढ़िया और बड़ा ये आईपीओ होगा और ये मुझे लगता है कि शानदार आईपीओ भी होगा, क्योंकि यहां पर आपको काफी बढ़िया लिस्टिंग गेन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको फ्यूचर में रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये काफी बढ़िया शेयर है जो कि मार्केट में लिस्ट होने वाला है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। अब बात आती है कि ये आईपीओ कब तक मार्केट में आ सकता है अप्लाई करने के लिए। तो देखिए ये आईपीओ ने अभी DRHP सबमिट किया है, 2 से 3 महीने का वक्त लगता है वेरिफिकेशन में और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके लिए ये आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। तो देखिए अभी आप मान के चल सकते हैं तो कि अभी कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, यानी नवंबर दिसंबर के आसपास ये आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है और काफी बढ़िया कमाने का आपको मौका दे सकता है। देखिए काफी बढ़िया आईपीओ है और यहां पर जितने भी आईपीओ ने DRHP सबमिट किया है मैं एक एक करके सब आपको बताता जाता हूं, जिससे आपको यह अंदाजा रहे कि भाई इन फ्यूचर कौन कौन से आईपीओ आपको देखने को मिलने वाले हैं और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।